वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल सप्ताह कार्यक्रम समारोह में शिरकत की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल प्रकृति की अमूल्य संपदा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूजल भी है और सरफेस वाटर की भी कमी नहीं है, लेकिन यदि प्रकृति प्रदत्त इस अमूल्य उपहार का हम उपयोग कर रहे हैं तो हमें इसके संरक्षण की भी चिंता करनी होगी। जब हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भूजल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित भूजल सप्ताह के समापन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग ने भूजल सप्ताह का आयोजन करके जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का जो व्यापक और अभिनव कार्य किया है वह सराहनीय है। पिछले 3-4 दशकों के दौरान अत्यधिक मात्रा में भूजल दोहन के कारण प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यापक विषमता देखने को मिली है। प्रदेश के 823 विकास खंडों में से 287 विकास खंडों में भूजल में 20 सेंटीमीटर तक की गिरावट प्रतिवर्ष देखने को मिली है। सारे प्राइवेट फैसिलिटी सर पैकेज के जरिए भी शुरू कर दिया सर, या मुझे लग रहा है सर थोड़ा कैपिंग की वजह से इधर पर क्यों नहीं हो रहा है। कैपिंग वाला सर वहाँ कैपिंग नहीं किए, वहाँ तो 5 लाख 8 लाख पैकेज लेके खुलने के एक सेगमेंट है जहाँ कम से कम सर वो सेगमेंट को वो कैपिंग कर दे रहे हैं सर। एक सेगमेंट भी है 5 लाख तो रख सकते हैं कोई लोग को। पूरा पूरा मेडिकल फैसिलिटी सर यहाँ इंडिया में सर प्राइवेट का हाथ में दे दिए, लोगों के पास जो लिमिटेड कैपेसिटी होती है उसमें दर्शन के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर दिया गया है। सभी जिलों के भीतर भूजल संरक्षण सुरक्षा और प्रबंधन हेतु अनेक कार्य किए गए। अटल भूजल योजना के अंतर्गत करीब 26 विकास बृहद योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न है, जिसे हम सभी को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिलकर साकार करना है। मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भूजल बचाने हेतु उत्तर प्रदेश में भूजल अधिनियम 2019 को पारित किया गया है। इसके अंतर्गत सबर सिवर लगाने हेतु पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। वर्षा जल संरक्षण हेतु हर शासकीय भूजल दूषित करने वालों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। इन सभी में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने हेतु बृहद स्तर पर वर्षा जल संचयन किया जाएगा। देश में 2000 से अधिक तालाब व कई नदियों का जीर्णोद्धार किया गया, चेक डैम और तालाब बनाए गए। जल ही जीवन है, जागरूकता व जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा किया गया। जल की गुणवत्ता बढ़ने में उत्तर प्रदेश के दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए जल संरक्षण एवं संचयन का अभियान छेड़ा गया है। आज भूजल सप्ताह का समापन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। श्री योगी आदित्यनाथ जी, इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, इस कार्यक्रम के सचिव श्याम के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव
श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद और विकास खंड मुख्यालयों से जुड़े थे, जल सत्याग्रह से जुड़े थे सभी, जल सत्याग्रहीगण, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 16 जुलाई से 22 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने भूजल सप्ताह का आयोजन करके जल संरक्षण के प्रति एक व्यापक जन जागरूकता पैदा करने का एक अभिनव कार्य किया है।